हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से रिलेटेड है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके परसेंटेज कहिए या मिक्सचर से रिलेटेड सम बच्चों, तो आइए सीखते हैं। आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए और सीखिए। इनमें से एक नए क्वेश्चन परीक्षा में पूछता ही है, गौर सीखिए बच्चे, ठीक है? आइए देखते हैं, एंजॉय द वीडियो। एक दो तीन क्वेश्चन बच्चों, पहले तीन क्वेश्चन सीखिए, अंतिम से बताना शुरू कर रहे हैं। थ्री लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। क्या कह रहा है? 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। कह रहा है कि 3 लीटर पानी मिलाते हैं 15 लीटर के एक मिक्सचर में, जो कि अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। और क्या दिया है बच्चों? 15 लीटर में जो दिया है 20% आपका अल्कोहल है। 15 लीटर मिक्सचर में क्या है? 20% अल्कोहल है। तो ये टोटल आपका यहाँ दिया गया है मिक्सचर, लिखते हैं यहाँ से एम, मतलब मिक्सचर दिया आपका 50 लीटर्स आपका मिक्सचर है, और अल्कोहल जो है ए मीन्स अल्कोहल लिख रहे हैं, ये 20% है। तो 15 लीटर में 20% अल्कोहल है, पहले निकाल लेते हैं बच्चों। 20% ऑफ 15, तो क्या होगा बच्चों? परसेंट निकालना आता ही है, परसेंट मतलब बाय में 100 देना है इंटू 15, ठीक है? चलिए कटाते हैं बच्चों वाले, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, यानी कि 3 लीटर आपका अल्कोहल है। कितना है बच्चों? अल्कोहल की मात्रा कितना है आपका? 3 लीटर है बच्चों, ठीक है? अब गौर कीजिए, 3 लीटर हो गया, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है? तो ये 15 लीटर जो सॉल्यूशन था बच्चों, तो 3 लीटर क्या था मेरा? अल्कोहल था। 15 लीटर सॉल्यूशन में 3 लीटर क्या था मेरा? अल्कोहल था। अब है कि 3 लीटर और पानी उसमें मिला दिए, तो अल्कोहल का स्ट्रेंथ यानी अल्कोहल का परसेंटेज कितना है? तो 15 में था 20% था, जिसका मतलब हो गया 3 लीटर आपका अल्कोहल निकला। अब 3 लीटर और पानी मिला देंगे तो 15 दिन कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 में पूछ रहा है अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना यानी परसेंटेज कितना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्या करेंगे? क्योंकि अब 18 कहाँ से आया? 15 लीटर पहले था और 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, यहाँ लिख दे क्या? चलिए 15 + 3 मिक्सचर हो गया, यानी कि हो गया 18 लीटर आपका हो गया मिक्सचर हो गया। तो 18 लीटर में 3 लीटर आपका अल्कोहल हो गया, 18 पानी नहीं मिला है, अल्कोहल तो नहीं मिला है, अल्कोहल मिला 3 लीटर रहेगा। तो 15 लीटर मिक्सचर में मतलब मिक्सचर 15 लीटर मिक्सचर में क्या है? 3 लीटर आपका अल्कोहल है, इसलिए 1 लीटर में कितना है बच्चों? 3/18। अब हमें स्ट्रेंथ निकालना है यानी परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कितना होता है? 100 में होता है, इसलिए 100 लीटर में क्या होगा? 3/18 × 100 कटा लीजिए बच्चों, 3 × 6 = 18 हो गया, यानी कि 100/6 इसको काट लेंगे तो 50/3 हो गया, यानी कि 16.2/3% आपका क्या बच्चों? 16.2/3% अब अल्कोहल का मात्रा हो गया। जब 15 लीटर था दोनों का मिक्सचर, पानी और अल्कोहल का, तो 20% सॉल्यूशन था। अब क्या है बच्चों, जब 3 लीटर और पानी मिला दिए तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना घट गया? कितना हो गया? 16.2/3% वो आपका स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बिना ट्रिक का है, अच्छा से किए, देसी ढंग से है, इसे ट्रिक से ही बताऊं बाद में, पहले गौर सीखिए सब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक मिक्सचर हमें सॉल्यूशन है जो कितना है? 40 लीटर है, किस चीज का है? मिल्क एंड वाटर, मतलब दूध और पानी का है।
कंटेंट 10% वाटर, ये 40 लीटर जो आपका सॉल्यूशन है उसमें 10% वाटर है। तो सबसे पहले बच्चों हम निकाल लेते हैं 10% ऑफ 40, क्या आ जाएगा 10 × 40/100 यानी कि 4 हो गया। तो बच्चों इसमें डबल मतलब वाटर, वाटर कितना हो गया 4 लीटर, वाटर कितना बच्चों 4 लीटर हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड और उसमें कितना पानी मिलाया जाए, शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर, मिक्सचर में कितना पानी मिलाया जाए सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन 20% ऑफ वाटर, ताकि नया सॉल्यूशन जो बने उसमें क्या हो जाए 20% पानी हो जाए, 20% क्या हो जाए वाटर हो जाए। तो देखिए बच्चों क्या है, वाटर कितना बड़ा इसमें है 4 लीटर है। अब मान लेते हैं कि लेट x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, मान लेते हैं कि 4 लीटर और पानी मिला दिए, तो पहले पानी कितना था, x लीटर वाटर इज एडेड, मान लेते हैं कि x लीटर और हम पानी मिला दिए, तो पानी पहले कितना था बच्चों 4 लीटर था और अब पानी कितना मिला रहे हैं x लीटर, तो नाउ वाटर कितना हो गया बच्चों, मतलब अब पानी कितना हो जाएगा 4 लीटर पहले था और उसमें x और मिला दिया, मतलब 4 प्लस x लीटर टोटल पानी हो गया। अब सॉल्यूशन कितना बन जाएगा बच्चों, मिक्सचर कितना का हो जाएगा, मिक्सचर पहले कितना था 40 लीटर का, अब मिक्सचर कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि पानी उसमें और जोड़ दिया हम x लीटर जोड़ दिए, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो हमको वाटर का परसेंट निकालना है, तो हो जाएगा वाटर का परसेंट मैंने वाटर जितना है उतना 100 और बाय टोटल, टोटल कितना बच्चों 40 प्लस एस, किसी चीज का परसेंट निकालने का यही नियम है, जिसका परसेंट निकालना है उसको 100 से गुना कर दीजिए और बाय में जो टोटल था वो दे दीजिए, जिस चीज का परसेंट निकालना है उसको 100 से इंटू कीजिए और जो बाय में टोटल है उसको दे दीजिए, ये किसका हो गया वाटर का परसेंटेज हो गया। अब देखिए प्रश्न हमने दिया है 20% वाटर, तो वाटर का परसेंट कितना गिवन है 20%, तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं 20, इधर कितना बच्चा 4 प्लस एक्स इंटू 100 और बाय कितना है 40 प्लस एक्स, यही ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हो गया इधर सब काट मिला था बच्चों, अब खाली से सॉल्यूशन करना है, गौर कीजिएगा, तो ये 100 को इधर ले आइए तो जाएगा 20/100, यहाँ गुना था इधर भाग हो गया, ऊपर बचा 4 + x / 40 + x, काट दीजिए इसको 20 × 20 = 100। अब क्रॉस बना कीजिए 5 को 4 से 20 5 को x से 5x, 40 + x को 1 से, ये हो गया आपका 40 + x, तो हो गया 5x - x, क्या हो गया 40 - 20, x को एक साइड ले आए बिना x को एक साइड ले आए कितना हो गया ये 4x = 20 हो जाए, therefore x = 20/4 यानी कि 5 लीटर हम बच्चों पानी मिलाए थे, क्या मिला बच्चों 5 लीटर हम उसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाए थे, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा बच्चों क्वेश्चन देखिए गौर से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ध्यान दीजिए, बेसिक ढंग सीखिए, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, कह रहा कि अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है जो कितना लीटर का है 5 लीटर का है, अल्कोहल भी है और पानी में दोनों मिला हुआ कितना है 5 लीटर है, कह रहा कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, उसमें 1 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल क्या होगा न्यू सॉल्यूशन में, 5 लीटर का क्या है आपका अल्कोहल और पानी का सॉल्यूशन है, जिसमें यदि हम 1 लीटर पानी मिला देते हैं तो न्यू सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना होगा, यानी कि अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा वो निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों 5 लीटर या का सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन मैंने घोल कितना दिया है 5 लीटर का, अब क्या कर रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% अल्कोहल, अल्कोहल कितना दिया है बच्चों
40%, ये 5 लीटर जो है, इस 5 लीटर में 40% अल्कोहल है, तो अल्कोहल का मात्रा हम आराम से निकाल सकते हैं। निकालिए 40% ऑफ 5 कितना होगा, 40 बाय 5 40 बाय 105, काटिए इसको बच्चों, 0 घटा 2 4 2 5 10 5 5 कटिए, कितना हो जाए 2 लीटर। तो बच्चों अल्कोहल आपका हो गया 2 लीटर, किसमें, इस 5 लीटर में 2 लीटर क्या था मेरा अल्कोहल था, ठीक है ना। अब क्या करा बच्चों, 1 लीटर हम और पानी मिला देते हैं, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6 लीटर का। नाउ व्हेन एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना बच्चों, एफ इज सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, 5 + 1 5 + 1 यानी कि 6 लीटर का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। बस अब 6 लीटर में कितना अल्कोहल है वो निकाल देना है, ध्यान दीजिए, तो 6 लीटर सॉल्यूशन, 6 लीटर सॉल्यूशन में आपका अल्कोहल कितना है बच्चों, 2 लीटर। 6 लीटर सॉल्यूशन में कितना आपका अल्कोहल है, 2 लीटर, ये ना, 6 लीटर में अल्कोहल, ऐसे लिख रहे हैं, 6 लीटर सॉल्यूशन में 2 लीटर आपका अल्कोहल है, ये मतलब अल्कोहल, ठीक है। इसलिए 1 लीटर में कितना होगा बच्चों, तो 2/6, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ मतलब कितना में, 100 में, इसलिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना, 2/6 × 100 काट दीजिए इसको, 2 × 3 = 6 माने हो गया आपका 100/3 यानी कि 33.1% बच्चों अल्कोहल क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, मतलब प्रतिशतता परसेंटेज हो गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसे सीख लिया होगा, गौर से 2-3 बार ऐसे बनाइए, इस तरह का सवाल किताब मिले तो उसे ढूंढ ढूंढ के बनाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिक्सर वाला क्वेश्चन परीक्षा में हर एक कमेटिशन ने पूछता ही है, इसलिए गौर से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।